एक समय महाराष्ट्र में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने वाले सुशील कुमार शिंदे जब राजनीति में आए तो महाराष्ट्र के सीएम से देश के गृह मंत्री तक का सफर तय किया। लेकिन अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। सुशील कुमार शिंदे ने एक कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव मेरी बेटी प्रणीति शिंदे लड़ेंगी और जहां मेरी जरूरत होगी वहां मैं मौजूद रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे सोलापुर सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के साथ 2012 में केंद्रीय गृह मंत्री और मनमोहन सिंह के सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन 24 अक्टूबर को सोलापुर में धम्म चक्र कार्यक्रम में शिंदे ने रिटायरमेंट की बात कही। जब सुशील कुमार शिंदे ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तो उन्होंने अपनी बेटी प्रणीति शिंदे का जिक्र किया। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है प्रणीति शिंदे। सुशील कुमार शिंदे की 42 वर्षीय बेटी प्रणीति शिंदे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। एक कार्यक्रम में प्रणीति शिंदे ने कहा था कि पार्टी हमें जो जिम्मेदारी सौंपेगी हम उसे निभाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को विश्वास भी जताया कि इस बार चाहे कुछ भी हो सोलापुर का सांसद कांग्रेस ही होगा। प्रणीति शिंदे सोलापुर से 3 बार विधायक रह चुकी हैं और 2024 में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद भी है। प्रणीति शिंदे सामाजिक संस्था के फाउंडर भी हैं। वह सामाजिक संगठन जय जुई फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यह संस्था प्राइवेट कंपनियों से संपर्क कर युवाओं के लिए जॉब फेयर भी लगाती है। प्रणीति ने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए किया और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्च गेट से वकालत की पढ़ाई की है। सोलापुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वर्तमान में यहां बीजेपी के डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य सांसद हैं। साल 2019 के चुनाव में शिवाचार्य ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को हराया था। सुशील कुमार शिंदे ने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी कि उस समय यह उनका आखिरी चुनाव है। सोलापुर से प्रकाश अंबेडकर और बीजेपी से डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य मैदान में थे। यही वजह थी कि सुशील कुमार शिंदे वह चुनाव नहीं जीत सके थे। बीते हुए दिनों से सोलापुर से बीजेपी के जय सिद्धेश्वर स्वामी के खिलाफ कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे के नाम की काफी चर्चा है। सुशील कुमार शिंदे के ऐलान के बाद यह माना जा रहा है कि सोलापुर से प्रणीति की लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी क्योंकि यह शिंदे की पारिवारिक सीट मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूटीबी गुट के कांग्रेस और एनसीपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। बात अगर सुशील कुमार शिंदे की करें तो एक समय महाराष्ट्र में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया लेकिन छोटे बड़े सभी मुकाम को पार करते हुए जब उन्हें मनमोहन सरकार में देश के गृह मंत्री बनाया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये कल्पना कभी नहीं की थी कि वे एक दिन देश के गृह मंत्री बनेंगे। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की वजह से ही संभव हो सका। ये और बात है कि वे इसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को धन्यवाद करते भी रहे हैं। गृह मंत्री से पहले वे ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, प्रमोशन मिला तो ऊर्जा मंत्री से गृह मंत्री बन गए। यह भी एक संयोग है कि जब उन्हें सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दिलवाकर 1971 में राजनीति में लाया गया तो उस वक्त शरद पवार केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। महाराष्ट्र के सोलापुर में साल 1941 में एक दलित परिवार में जन्मे शिंदे के पास आर्ट्स की ऑनर्स डिग्री है और कानून की भी डिग्री है। 1965 तक वे सोलापुर की अदालत में वकालत करते हुए फिर पुलिस में भर्ती हो गए और 5 साल तक पुलिस की नौकरी करने के बाद राजनीति में आ गए। 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और राज्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। एक बार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। साल 1992 में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया। यहां उन्हें सोनिया गांधी से नजदीक जाने का मौका मिला और इसी वजह से 1999 में उन्हें अमेठी में सोनिया गांधी का प्रचार संभालने का भी मौका मिला। 1999 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और फिर सोनिया गांधी के निर्देश पर साल 2002 में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा लेकिन इस चुनाव में वे हार गए। जब केंद्र में 2004 में यूपीए की सरकार आई तो उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाकर भेजा गया लेकिन 1 साल बीतते बीतते उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया।
साल 2006 में वो एक बार फिर से राज्यसभा के सदस्य चुने गए और फिर ऊर्जा मंत्री बने। 2009 में चुनाव में दूसरी बार ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 31 जुलाई 2012 को उन्होंने गृह मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया। अब लंबी पारी के बाद अपनी बेटी परिणीति शिंदे के हाथों में राजनीति का कमान सौंप खुद राजनीति से संन्यास ले लिए।